हमारे देश में कृषि क्षेत्र और पशुपालन ये ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु पे है, लेकिन साथ साथ हमारे ग्रामीण जीवन में जो आर्टिजन्स हैं उनका भी ग्रामीण अर्थकारण में बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए चाहे पशुपालन हो, चाहे खेती हो, चाहे हथकरघे का काम हो, हस्तकला से जुड़े हमारे लोग हो, उनको जोड़ करके हमने हमारी अर्थव्यवस्था के पिलर्स को मजबूत करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। 2022 भारत की आजादी के 75 साल, देश के किसानों की आय डबल करने की दिशा में एक संकल्प लेकर के हम काम कर रहे हैं। एक तरफ किसान की जो इनपुट कॉस्ट है उसकी जो लागत है उसको कम करना है, और दूसरी तरफ उसका उत्पादन जो है उसको बढ़ाना है। अगर ये इन दोनों की चीजों को हम चलेंगे तो हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होगी, हमें आधुनिकता की तरफ जाना होगा। पशुपालन, पशु की संख्या भले कम हो लेकिन दूध का उत्पादन ज्यादा हो, प्रति पशु दूध का उत्पादन बढ़े, उस दिशा में हम जितना तेजी से आगे बढ़ेंगे वो ग्रामीण अर्थजीवन को आगे बढ़ाएगा। हम आज दुनिया में केमिकल वेस्ट की जमा बदले में शहद वाला वेस्ट जो है, मोम है, उसकी दुनिया में बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। लोग केमिकल वेस्ट से मुक्ति पाकर के हनी बी का जो वैक्स होता है उसकी ओर जा रहे हैं। अगर हम गांवों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दें, साइंटिफिक तरीके से हनी बी पालन करना हमारे किसान के या पशुपालक के साथ जुड़ जाए, अतिरिक्त इनकम की संभावनाएं बढ़ेगी। और आज जो बहुत बड़ा मार्केट बी वैक्स का है, हनी बी के वैक्स का है, केमिकल वैक्स से लोग मुक्ति चाहते हैं, भारत इसमें बहुत बड़ा मार्केट को दुनिया में कैप्चर करने की ताकत रखता है और उस दिशा में हम आगे जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ मत्स्य उद्योग हो, हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म्स हो, हमारे यहाँ पशुपालन हो, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर हो, उसमें भी टिम्बर की खेती, पशुपालन के साथ साथ खेती के साथ साथ अगर खेत के किनारे पर टिम्बर की खेती करें तो देश आज जो टिम्बर इंपोर्ट करता है उससे बच जाएगा और देश का किसान टिम्बर से इतनी सारी कमाई कर पाएगा कि उसको कभी परिवार में संकट का सामना करना नहीं पड़ेगा। 5-10 साल मेहनत करने की जरूरत है, अपने आप परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं।